And guys, you can see here, this is lead. And hello guys, welcome back to my another vlog. Hopefully ghar mein sabhi theek honge. Today in this vlog we are going to cutting a kam patta, yani ki English mein I don't know kis tarike se bolta hai kam patta ko. Maine Google mein bhi search karne ke liye koshish kiya kam patta ka bare mein, lekin nahi mila. So local mein kam patta bolta hai. This is a one kind of leaf जिसको यूज़ करता है बहुत सारा चीज़ों में, जैसे राइस पैकिंग करना हो, जैसे लोकल रोटी बनाना हो, बहुत चीज़ में हम लोग लोकल आदि ट्राइब निशी ट्राइब हो अरुणाचली उसको यूज़ करता है. तो उसको कैसे कटिंग करता है और किस तरीके से पोल करता है, कैसे काट के जंगल से लेकर आता है, आज इस ब्लॉग में आप सभी को दिखाऊंगा. तो लास्ट तक बने रहिए, चलिए. और आज इस ब्लॉग में मेरा साथ आने वाला है मेरा वन ऑफ हैंडसम छोटा भाई मिस्टर कातमी जी. ये मेरा साथ आ रहा है और ये मेरा आज गाइड है, कहाँ से ये कटिंग करेगा ये हमको लेकर जाएगा. And finally we reach the destination. This is called akam patta, which is used in occasionally, which is used in binding rice, local roti, etc. You can see here there is a lots of akam patta in here. क्यों हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज फॉर सम ओकेजनल पर्पोज हम लोग का घर का अभी दलाई होने जा रहा है, तो उसके लिए उसमें आदमी लोग मदद कर जाएगा, तो उसमें खाना वाना बाइंड करके देने के लिए हम लोग इसको कटिंग कर रहे हैं. तो गाइस आप ये जो अकम पट्टा करने वाला को देख के आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये जितना भी सारा देख रहा है इसको, ऐसा नहीं कि सबको डायरेक्ट मनमर्जी पूरा खट देगा, ऐसा नहीं. इसमें भी क्या करता है, जैसे कि दिस वन आप इसको देख सकता है, ये अच्छा है, इसको खट सकता है, जैसे कि इसमें कोई पट्टा पुट्टा नहीं है. लेकिन जैसे कि इसमें भी बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे ऐसा वाला बहुत मिल जाएगा, जैसे पट्टा पुट्टा वाला, देन गंदा वाला. तो ऐसा लोग हम लोग नहीं काटता है, जो अच्छा है जिसको यूज़ किया जा सकता है, जो यूज़ेबल है उसको काटना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है. इतना सारा घने जंगल में इतना सारा मतलब बीच में से सेलेक्ट करके निकलना पड़ता है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, सो ऑल्सो इंटरेस्टिंग. जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस ऑल आर सेलेक्टेड अकम पत्ता. तो हम लोग इसको सेलेक्टेड अभी जंगल से निकला है, इसको फिर हम लोग अभी इसका जो डंटी है इसको हटा के यहाँ से काट के
फिर इसको फोल्डिंग करना है बिकॉज घर में एकदम कंफर्टेबल है लेके जाना है, ऐसे तो डायरेक्ट सीधा लेके नहीं जा सकता है, इसीलिए अभी इसको अच्छे से फोल्डिंग करेगा। एंड गाइस नाउ वी आर गोइंग टू मेकिंग रॉफ। ये भी एकम पट्टा का जो डंटी से रॉफ भी बनाता है इस तरीके से, इसको बीच से अभी फाड़ देना है। इस तरीके से आपका पूरा ज्वाइन करके ये माथा को काट देना है क्योंकि इसका कुछ यूज़ में आने वाला नहीं है। एंड गाइस यू कैन सी हियर दिस इज लीच, हम लोग इसको आदि में बोलता है तपत, एंड कहीं कहीं जगह पे तपेक इस तरीके से बोलता है। इसका डिफरेंट टाइप ऑफ आपको जंगलों में मिल जाएगा, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, बहुत प्रकार का होता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लेजी वन, ये कौन चूसता है ना, खराब चूसता है। तो आज ये जगह पर ज़्यादा कॉमनली देखने को नहीं मिला, इतना ज़्यादा नहीं था। देखिए सो गाइस फाइनली अभी हम लोग इसको बाइंड कर लिया, इसको पूरा बांध दिया और कुछ फाइनल फिनिशिंग करना बाकी है। आफ्टर डेट ये पैकिंग हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिर निकल जाएगा। एंड गाइस फाइनली जाने से पहले यू कैन सी डियर वाइल्ड बनाना फ्लावर्स, एंड आई एम बिग फैंस ऑफ बनाना फ्लावर्स, तो इसीलिए मैं अभी इसको तोड़ लेता हूँ सब्जी के लिए। एंड फाइनली इफ यू वॉचिंग माई ब्लॉग्स, आपने मेरा पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि वाइल्ड फ्लावर्स को हम किस तरीके से खाता है। सो दिस इज़ वेरी टेस्टी, बहुत बढ़िया लगता है मुझे, बाकी लोगों को तो पता नहीं। सो इसीलिए जब भी जंगल में अगर समय मिलता है तो मैं इसको तोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ। और एक दिख गया मुझे ऊपर में, तो इसको भी तोड़ लेता। बढ़िया। Finally, I got. Guys, जाने से पहले सोने पे सुहागा यहाँ पे बैलेंस ही हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग इसको तोड़ लेता है और बढ़िया से इंजॉय कर लेता है। गाइस यू कैन सी हियर, एक अलग ही लेवल का फीलिंग मिलेगा। देखिए बैठे बैठे काहे तार रहा है, मुंह में पानी आ रहा है तेरा। मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता है आपका मुंह में अभी।
ठीक है कोई नहीं, फिर भी आपको तो मैं अभी नहीं दे सकता, शेयर नहीं कर सकता, अकेला ही मज़ा ले रहता है। मज़ा आ गया। अब गाइस भाई पूरा वहाँ से 80% उठा दिया, थोड़ा कुछ 10% अभी थोड़ा बचा है, तो अभी मैं थोड़ा उठा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए हम कितना ताकतवर है, इसीलिए भाई को हो जाएगा बोल के, भाई उठाएगा बोल रहा था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए हीरो बनने के लिए इसको उठाने जा रहा है। आई थिंक दिस इज 30 kg समथिंग होगा, थोड़ा हैवी है। चलिए फाइनली गाइस हम लोग सुबह जहाँ से निकला था यहाँ पे पहुँच चुका है। हम लोग वो ऊपर से देख रहा है, वो ऊपर से हम लोग कंपट्टा कट के आया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय एवरीवन। वेट, जाने से पहले मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग ये कंपट्टा का क्या में यूज़ आता है, मैं आपको प्रोसेस दिखाऊँगा, और आने वाला ब्लॉग्स काफ़ी बढ़िया होने जा रहा है। अब आप जा सकता है।